उज्जैन जिले से जहां शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से जहां एक छोटे से गांव दूना रजा में अमर शहीद धर्मेंद्र पांड्या के पुण्य स्मृति में युवा मैराथन का आयोजन किया गया। प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अध्यक्षता कैलाश बारिया सहित के पूज्य पिताजी प्रांत प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत विनायक जी दीक्षित संस्थापक शहीद समर्था मिशन मोहन नारायण अमर शहीद धर्मेंद्र बारिया के माता पिता और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने दीप प्रज्वलित करके अमर शहीद धर्मेंद्र जी बारिया को याद किया गया और अमर शहीद धर्मेंद्र बारिया के माता पिता के चरणों को गंगा जल से धोया गया। जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया को बताया कि 11 मार्च 2014 में अपने प्राणों की आहुति दी जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान गांव में उनका शक्ति स्थल है और आने वाले समय में बड़नगर में भी उनका शक्ति स्थल मनाया जाएगा और कॉलेज का नाम वीर सैनिक के नाम पर होगा। देखिए हैदराबादा से देवीलाल प्रजापत की रिपोर्ट। बताएं किस प्रकार से क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? मालवा के दुलुंजा शहर में दुलुंजा गांव में मेरे साथ में शहीद समरसता मिशन के सब साथी सिपाही धर्मेंद्र बारिया जो 228 आरटी यूनिट के थे जिन्होंने भारत राष्ट्र के लिए 11 मार्च 2014 में अपने प्राणों की आहुति दी, वो जम्मू कश्मीर के दराज इलाके के अंदर में पेट्रोलिंग में स्नो इलाका के अंदर में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज 7 साल के बाद में हम दुलुंजा गांव में हैं। मेरे साथ में शहीद धर्मेंद्र मारिया जी की माता जी श्रीमती कांता जी और उनके पिता श्री कैलाश जी यहां पर हैं। पूरा गांव, पूरे गांव, आसपास के गांव के मैं कहूंगा तकरीबन 2-3-4 हज़ार पूरे यूथ और पूरे गाँववासियों ने इकट्ठा होकर आज शहीद धर्मेंद्र मारिया जी को याद किया। उनका जो एक शक्ति स्थल इस गांव में बनाया है उसके ऊपर में नमन किया, उनको सम्मान दिया और उसके बाद जो आसपास के गांव के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो शहीद समरसता मिशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो इसके संस्थापक श्री मोहन नारायण जी हैं, हमने सब यहां पर आकर इस परिवार को ये बताया है कि आने वाले समय में एक शक्ति स्थल वार्डनगर में बनाएंगे, वहाँ पर एक कॉलेज का नाम वीर सैनिक के नाम पर होगा और जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक अपनी पॉलिसी बनाई है कि हर एक वीर को, वीरांगना को, वीर के परिवार को 1 करोड़ की जो राशि मिलेगी हम इकट्ठा करके अपने इस वीर परिवार को देंगे। देखिए ये जो समय होता है ये बहुत भावुक होता है,